इंजीनियरिंग के अंदर लाइव सेशन को प्रिफर करना चाहिए या रिकॉर्डिंग सेशन को प्रिफर करना चाहिए? बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट्स ने हमें ये मैसेज किया, इसलिए हमने सोचा कि ये वीडियो बना के आपको थोड़ा समझाने का ट्राई करते हैं कि लाइव सेशन और रिकॉर्डिंग सेशन में बेनिफिट किसमें ज्यादा रहता है, किसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, और आपको क्या अच्छा वाला आपका डिसीजन चूज करना चाहिए ताकि आपके एक अच्छे नंबर्स आए। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी लोग मेहनत करते हैं वो आपके मार्क्स के लिए मेहनत करते हैं, आपके नंबर्स के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि वही आपको एक अच्छा प्लेसमेंट दिलवाने वाला है। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है प्रिय विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म लाइव सेशन लेता है तो लाइव सेशन के अंदर टीचर आता है ना बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, आप चेक कर लीजिए, आप कमेंट में लिखते हो हाँ सर क्लियर है ना। उसके बाद टीचर बोलता है हम वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइंट हो जाए, तो 5-6 मिनट तो उसमें निकल जाती है, आप काउंट करना है ना। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ, 5 से 6 मिनट ऐसे निकल जाती है ना, 5 से 6 मिनट तो मान ही लो, मैं मिनिमम मिनट बोल रहा हूँ, 5 से 6 मिनट। ये स्टार्ट किया, जो सेशन स्टार्ट किया ना उसकी, अब मान लो रिकॉर्डिंग सेशन, तो रिकॉर्डिंग में तो टीचर पहले ही ऑडियो वीडियो चेक करके आया होगा, वरना तो उसको एडिटिंग में पता ही नहीं चलेगा। तो ये यहाँ पे मोर देन 1 मिनट टीचर अपना नाम बोलेगा, कुछ मोटिवेशनल शायरी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो वो 1 मिनट टॉपिक के बारे में बताएगा, तो यहां से यहाँ पे आपकी 5 मिनट सेव होती है। अब जब लाइव सेशन चल रहा होता है तब कभी कभी बहुत इजी इजी टॉपिक भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होते, तो वो सवाल बोलता है टीचर रिपीट। अब मान लो 100 बच्चे लाइव में हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो वैसे भी 12th में टॉपर नहीं थे, बहुत कम, मिड एवरेज से भी बहुत डाउन है, पुअर है जिसका नॉलेज, वो ऐसा बोलेगी टीचर रिपीट। अब मान लो टीचर रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, वो 10 बच्चे नेगेटिव हो गए, 10 बच्चे नेगेटिव हो गए, खास ध्यान में रखना। अब टीचर रिपीट करता है तो वो 90 बच्चों का टाइम वहां पे वेस्ट होगा, क्योंकि मान लो e^-x, कल मैं एक लाइव ले रहा था e^-x, जिसका इंटीग्रेशन हो रहा था e^-x/-1, एक बच्चा बोला सर -1 कैसे आया, अब मैं उसको वो नहीं समझाता तो वो नेगेटिव होता, और समझाया तो बाकी के स्टूडेंट्स का टाइम वहां पे वेस्ट हो, क्योंकि सबको पता है -x का डिफरेंशिएशन -1 होता है, वो नीचे आता है ना। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है लाइव में, कि अगर कोई बच्चा डाउट पूछता है, कोई बच्चा यहाँ पे डाउट पूछता है तो वो डाउट सॉल्व करवाना ही पड़ता है, तो उसमें टाइम कितना जाए 5-10 मिनट किसको नहीं पता। अब ये जो डाउट इस बच्चे का था वो सारे स्टूडेंट्स का हो वैसा जरूरी, देखो लाइव में ये बेनिफिट है कि आप तुरंत डाउट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की वजह से हो सकता है। और अगर कभी कभी लाइव में ऐसा एक बंदा आ गया जो हर एक सवाल में ऐसा बोले सर रिपीट, तो गया भाई, दो टीचर मान लो 10 सवाल लेके आया हो तो 2 सवाल करवा पाए 1 घंटे के अंदर, यहाँ पे ये नहीं रहता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मान लो लेक्चर हम देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आगे का देखना है, तो रिकॉर्डिंग में हम बैक जाके देख सकते, लाइव के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। इसमें साथ में नोट्स बना सकते हैं, यहाँ पे साथ में नोट्स भी नहीं बन सकते, आपको पूरा फोकस पढ़ाई पे करना पड़ता है, पूरा फोकस पढ़ाई पे करना पड़ता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मोबाइल डेटा के ऊपर पूरा एक दिन निकालते हैं, तो लाइव सेशन के अंदर मान लो 3 लाइव सेशन एक दिन में है, एक लाइव सेशन में डेटा खत्म हो जाएगा, है ना, डेटा एक लाइव सेशन में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग देखते हो तो ये टाइम बच जाता है, ये क्वेश्चन आंसर का टाइम बच जाता है, तो ये जो 1 घंटे का सेशन यहाँ पे 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट का जो सेशन लाइव में होता है ना, वो रिकॉर्डिंग में कितना हो जाता है, 20 से 25 मिनट का, सेम कंटेंट रहता है, 20 से 25 मिनट में खत्म होता है ये। क्योंकि कभी बच्चे हमें मैसेज करते हैं सर हमारे क्लास में 1 घंटे का जो सेशन होता है उसमें 4 सवाल होते हैं, आपके 20 से 25 मिनट के सेशन में भी 4 सवाल होते हैं, ऐसा क्यों? तो बेटा इसके रीजन यही है, टीचर एक तो आता है 5 मिनट लेट, निकल जाता है 5 मिनट जल्दी, आपको कभी देखते नहीं हो, आलतू फालतू बातें करता रहता है टीचर, बोर्ड पे लिखता है फिर आपको बोलता है बेटा आप लिखो, लिखने का टाइम देता है, यहाँ पे वो कुछ नहीं होता है, इसलिए आपका टाइम भी बचता है, आपका डेटा भी बचता है। टाइम इंपॉर्टेंट है, डेटा तो चलो एक बार हम जाने भी दे, पैसे निकाल के डेटा खर्च कर ले, लेकिन पैसा भी इंपॉर्टेंट है, डेटा भी इतना सस्ता नहीं आता, और रोज अलग से डेटा करवाना भी सही चीज नहीं है, है ना। 25 से 30 रुपीज का एक्स्ट्रा GB डेटा आता है, तो आप 30 दिन का निकालोगे तो 900 से 1000 रुपीज तो एक्स्ट्रा डेटा के गए, ओरिजिनल डेटा के तो दिए थे, एक्स्ट्रा डेटा के भी गए। और घर घर सभी लोगों के घर पे वाईफाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे ग्रुप में भी टीचर्स है वो सभी टीचर्स के घर पे भी वाईफाई नहीं है, तो सभी बच्चों के घर पे भी वाईफाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लाइव सेशन कौन प्रीफर ज्यादा करवाता है पता है, जिनकी डाउट सिस्टम स्ट्रांग नहीं होती ना, वो मेन फंडा बेटा यहाँ पे डाउट का, डाउट सिस्टम जिनकी स्ट्रांग ना हो ना वो लाइव सेशन करते रहते हैं। प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म पे आप चेक करो कि डाउट सेशन बहुत स्ट्रांग रखा है हमने,
हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग फंडा है ना वो डाउट सेशन। आप कभी भी कोई भी टीचर को मैसेज करोगे ना, हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज करोगे, 1 घंटे के अंदर आंसर आ जाता है। मोस्टली तो तुरंत ही आ जाता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर आंसर आ जाता है। बाकी के टीचर्स को आप मैसेज करते हो वो भी तुरंत आंसर कर देते, लेकिन मैक्सिमम टाइम लिमिट हमने सेट करी है 24 आवर्स। 24 आवर्स में अगर आंसर नहीं जाता है तो वो बच्चा हमारे ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करता है, हमारी टीम वो सर को कॉन्टेक्ट करके उस बच्चे को मैसेज करवाती है। ये डाउट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हमने जो रखी है ना, उसका बेनिफिट बच्चों को यहाँ पे मिलता है। जब भी बच्चा पढ़ने बैठता है उनका डाउट सेंड करता है, डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब लाइव सेशन का दूसरा एक ड्रॉबैक क्या है, मान लो 10 चैप्टर आपके सिलेबस में है, 10 चैप्टर। अब हमारा जो एनालिसिस कहता है ना वो ऐसा कहता है कि 10 अलग अलग कॉलेज भी होगी ना, वो भी 10 अलग अलग चैप्टर चालू करके बैठे, पहली कॉलेज पहला, कोई दूसरा, कोई तीसरा, चौथा, पांचवा और 10। यहाँ पे कुछ फिक्स रूल नहीं है। जैसे 12th में था फर्स्ट एग्जाम में फिक्स चैप्टर थे, हर एक गुजरात के स्कूल में ऐसा था। डे स्कूल फॉलो नहीं करती थी गवर्नमेंट और प्राइवेट, कोई कोई स्कूल सेमी गवर्नमेंट फॉलो करती थी, लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। तो मान लो हमने लाइव के अंदर चौथा चैप्टर चालू किया, अब आपकी कॉलेज ने चौथा चालू ही नहीं किया, मतलब मिड सेम में वो आने नहीं वाला, अब आप लाइव में आ रहे हो चौथे चैप्टर के, क्या फायदा हुआ मुझे ये बताओ? आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, नुकसान जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका नुकसान जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप लाइव अटेंड नहीं कर रहे हो, आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप आपका कीमती समय तो बर्बाद कर ही रहे हो, डेटा भी बर्बाद कर रहे हो, मिड सेम में मार्क भी गवा रहे हो। प्रियस्थ विद्यापीठ प्लेटफॉर्म का टारगेट ये रहता है कि आपके मिड सेम में अच्छे नंबर आए। मतलब मैं तो ऑलवेज स्टूडेंट्स को ऐसा बोलता हूँ लाइव के अंदर कि बेटा चौथा चैप्टर आपके कॉलेज में चल रहा है तो आप लाइव में रहो, मुझे नंबर से मतलब नहीं है आपके लाइव के ना, मेरे लाइव में 300 लोग आए 400, मुझे उससे मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में मार्क कितने आते हैं उससे मेरे को मतलब है। हमने 100% कोर्स पहले दिन से रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दिया है, मतलब आपकी कॉलेज में मान लो 8वां चैप्टर चल रहा है तो आपको घर पे शांति से रिकॉर्डिंग 8वां ही देखना है, उसकी DPP लगाओ, एक्स्ट्रा सवाल सॉल्व करो, डाउट आते तो टीचर को पूछो, उसमें आपका बेनिफिट ज्यादा है ना कि चौथे के लाइव देखने में। चौथे के लाइव तो बेटा आप बाद में भी देख सकते हो क्योंकि लाइव का रिकॉर्डिंग रहता है ना, वो तो आप बाद में भी देख सकते हो। तो ये यहाँ पे दूसरा ड्रॉबैक है कि बेटा आपका मिडसेम का मार्क जा रहा है। दूसरी चीज, मान लो आज लाइव सेशन रात को 9 बजे था, कल भी 9 बजे है, आज रात को 9 बजे आप किसी भी कारणवश बाहर जाना चाहते हो, आज का सेशन गया तो कल आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला और कल तक आप वो सेशन देख भी नहीं पाए, आज का रिकॉर्डिंग कुछ पता नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग में आप आपके टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा शांति से आप सोचोगे ना तो लाइव से अच्छा रिकॉर्डिंग होता है। इंजीनियरिंग में भी मैं 11th 12th में फॉलो करवाता हूँ लाइव ही, क्योंकि रीजन क्या है, लाइव में फिक्स रहता है कि भी 11th 12th में फिजिक्स शुरू करो तो पहले चैप्टर से ही काम चलता है, हर एक स्कूल में पहले चैप्टर से ही होता है, लेकिन उसमें भी हमारे रैंकर स्टूडेंट्स जो है ना वो तो रिकॉर्डिंग ही प्रीफर करते हैं कि भाई थोड़ा स्पीड में भी भगा सकते हैं, कोई सम आता है तो उसमें टाइम वेस्ट ना करें, ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग में मिलती है, लाइव में नहीं मिलती। इजी सम है तो भी बैठे तो रहना ही पड़ता है ना, अपना मान लो कोई टीचर ने क्वेश्चन लिखा उसका आंसर आपका आ गया तो भी टीचर जब तक सॉल्व नहीं करता, डाउट सॉल्व नहीं करता, तब तक आपको तो बैठे ही रहना है, मतलब आपका तो टाइम वहां पे वेस्ट हो ही रहा है। तो बेटा इंजीनियरिंग के अंदर टाइम बहुत कीमती है, तो लाइव से अच्छा रहता है ऑलवेज 100% रिकॉर्डिंग। और अगर आप मेन टीचर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हो, डाउट सॉल्व कर रहे हो, तो रिकॉर्डिंग में भी आपको डाउट, लाइव एक्चुअली में डाउट के लिए अच्छा है, लेकिन डाउट सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो एक अच्छी चीज के लिए बाकी की जो चीजें वेस्ट करवाती है, हमारा टाइम, हमारा डेटा, हमारे मार्क्स, उसको दाव पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाउट सिस्टम स्ट्रांग है ना। कभी बच्चों के मैसेज मेरे पे नहीं आते, ये सर मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे, टीचर का रूल ही है रिप्लाई देने का, यहाँ पे साइन होते हैं। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम सबसे स्ट्रांग सिस्टम है, आई होप आप समझे होगे, है ना, आपको पता चला होगा एक्चुअल में क्या है। तो अगर आप अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आपके मिड सेम के चैप्टर नहीं है और लाइव अटेंड कर रहे हो तो मत करिएगा, है ना, अगर चैप्टर है वो लाइव चल रहा है तो अटेंड करिए, बाकी रिकॉर्डिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, उसको ही आपको अटेंड करना है, एक अच्छे नंबर पे पहुंचना है तो ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि क्या करना चाहिए, बस मेरे को जो समझाना था आप समझ गए होंगे। अपना वीडियो फ्रेंड में जरूर शेयर करिए, मिलते हैं ऐसे कोई नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।